नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इसराइल और हमास के बीच युद्ध के इतने समय बीत जाने के बाद अब जो जानकारियां आ रही हैं उससे इतना तो तय है कि इसराइल जब इन समस्याओं से निपटेगा तभी इसराइल और हमास का युद्ध खत्म होगा। समस्याएं कौन हैं वो आपको हम बार बार बताते रहे हैं, लेकिन आज हम तस्वीरों के जरिए, एक वीडियो में जो तस्वीरें आप देखेंगे उससे आपको अनुमान हो जाएगा कि वास्तव में असली समस्या है कहाँ। देखिए, हवाई बमबारी करके इसराइल ने पूरी तरीके से गाजा पट्टी में हमास का कमर, आप कह सकते हैं, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया है। जमीनी कार्रवाई करके गाजा के अधिकतर भागों पर, खास करके उत्तरी परिक्षेत्र में, इसराइल ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी हमास खत्म नहीं हुआ है। उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि वो खत्म क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक टनल का है, लेकिन ये टनल और इसका बेस, जिसको कह सकते हैं, कहीं और नहीं बल्कि वही अल सिफा हॉस्पिटल है, जिस अल सिफा हॉस्पिटल का हवाला दे करके इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया लामबंद हो रही थी और ये कह रही थी कि हॉस्पिटल्स को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अल सिफा हॉस्पिटल में कब्जा करने के बाद कई बार इस तरह के वीडियोस आए थे, लेकिन एक वीडियो IDF ने जारी किया है इसराइल की सेना की तरफ से। आप कह सकते हैं उनके सेना कमान का जो मुख्य अंश होता है वो IDF है। उसने जो ये वीडियो जारी किया है, आप देख सकते हैं कि अल सिफा हॉस्टल के मूल स्थान, मतलब बीचों बीच स्थान पर किस तरीके से ये टनल कनेक्ट था और इस टनल के माध्यम से बाकायदा आतंकियों का आना जाना बिल्कुल सुनिश्चित था, वो सुलभ था, उनको कोई मुश्किलें नहीं आती थी। तो इस तरीके से ये टेरर का बेस कैंप था। अब आप समझ लीजिए, अल सिफा हॉस्पिटल ऊपर ऊपरी सतह पर तो पूरी तरीके से जो मरीज आते थे उनका इलाज होता था, लेकिन एक स्थान से ये टनल के जरिए अल सिफा हॉस्पिटल कनेक्ट था और यहाँ पर आतंकी आते थे, अगर वो घायल हैं तो उनका इलाज होता था या जिनको वो चाहते थे उनका इलाज किया जाता था, और उसी के बाद इसी अल सिफा हॉस्पिटल को बेस कैंप बनाया हुआ था, क्योंकि इसराइल बमबारी करके उनके सभी रणनीतिक स्थानों को या बिल्डिंग्स को निशाना बना चुका था, इसलिए इस पर नहीं कर सकता था इसराइल हमला, ऐसा हमास के लोग मान रहे थे। लेकिन इसराइल का विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध को दरकिनार करके इसराइल ने अल सिफा हॉस्पिटल को लगभग ध्वस्त कर दिया है, और अब वहां की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोज आ रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और इसराइल जो दावा कर रहा था कि अल सिफा हॉस्पिटल से ही टेरर बेस कैंप चल रहा है और जब तक इसको ध्वस्त नहीं किया जाएगा गाजा से आतंकियों की कमर नहीं तोड़ी जा सकती और गाजा से आतंकियों का सफाया नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी टनल का सिर्फ एक अंश आप देख रहे हैं, पूरे गाजा क्षेत्र में अंदर खाने, मतलब जमीन के अंदर टनल्स ही टनल्स बने हुए हैं। अब उसका एक रूट इनको देखना होगा, इसराइल की सेना को, और उस रूट को देखते हुए एक एक करके उसको खत्म करना होगा। और जब ऐसा इसराइल की सेना करेगी तो निश्चित रूप से रेजिस्टेंस फोर्स के रूप में जो वहां पर टनल्स में बैठे हुए हैं हमास के आतंकी, वो लड़ाई करेंगे और इस लड़ाई में हमास के लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन इजरायली सैनिकों का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी टनल्स को खत्म किया ही नहीं गया है, बस शुरुआत भर हुई है। इसलिए ये युद्ध लंबा चलेगा और इस युद्ध में अभी जान माल की क्षति और होगी। लेकिन डिटर्मिनेशन का जहां तक सवाल है कि युद्ध विराम घोषणा के बावजूद दोनों तरफ से होस्टेजेस, अर्थात बंधक, छोड़े गए हैं, लेकिन नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, जैसे ही युद्ध विराम की अवधि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी कुछ समय एक तरह से विराम की स्थिति रहेगी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई फिर शुरू की जाएगी। और कार्रवाई शुरू करना इसराइल के हिसाब से अगर हम सोचें तो ये उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि टनल्स में बैठे हुए आतंकी अपने आप को रीयूनाइट कर रहे हैं, रीग्रुपिंग कर रहे हैं, और इससे बड़ी संख्या में हमास के आतंकी मारे गए हैं, लेकिन रीयूनाइट रीग्रुप की स्थिति में एक बार फिर वो अपनी ताकत प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हथियारों की अभी भी कमी नहीं है। ऐसी जानकारी जब दी जा रही है, इस पर सवाल किया जा रहा है, तो इसराइल की सेना भी मान रही है कि
कि उनके पास अभी कोई बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर लड़ने के लिए जो हथियार चाहिए उसमें कमी नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर है कि समय समय पर जो सप्लाई लाइन काटी जाती है उसके कारण से वहां पर खाद्य समस्याएं आई हैं, और जिस तरीके से होस्टेजेस रिहा होने के बाद बयान दे रहे हैं कि पहले उनको ब्रेड और कुछ चीज़ें दी जाती थी, दूध दिया जाता था, चिकन वगैरह दिया जाता था, लेकिन बाद में उसमें कमी करने का जो दौर था वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि जो उनको खाने के लिए चाहिए वो उसमें कमी महसूस कर रहे थे, इसलिए बहुत सीमित मात्रा में बंधकों को खाना दिया जाना शुरू किया गया, क्योंकि इसराइल ने पूरी तरह से सप्लाई लाइन को काट दिया था। लेकिन अब जबकि युद्ध विराम हुआ तो गाजा में सप्लाई किया गया है खाद्य रसद की जो जरूरत की चीज़ें हैं, दवाइयां हैं, तो उससे फिलिस्तीनियों की समस्याएं कुछ हद तक तो हल होती हैं, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होगा और अगर इन 4-5 दिनों में हमास के लोग अपने आप को रीयूनाइट कर पाए होंगे तो इसराइल के सामने फिर एक चुनौती होगी और उसी अंदाज में फिर हमले होंगे। लेकिन इतना तय मानिए कि जब भी अब इसराइल हमला करेगा, पहले वो हवाई हमले भी तेज करेगा और उसके बाद ज़मीनी कार्रवाई करेगा, क्योंकि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैले हुए टनल्स इसराइल की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।